नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहली खबर अमेठी से है, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची हैं। वहीं आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत तिरंगा यात्रा में स्मृति ईरानी शामिल हुई। वहीं तिरंगा यात्रा के समापन के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सांसद आदर्श गाँव सुजानपुर का दौरा किया, जहाँ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सांसद आदर्श गाँव में बने अमृत सरोवर का निरीक्षण करेंगी। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने डीएम कार्यालय में सभी विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी। विधायक वेंकटेश्वर जी, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। हमारे लिए गौरव का विषय है, चाहे विद्यालय का प्रांगण हो, चाहे लोगों का घर हो, दफ्तर हो, सभी नागरिकों ने प्रधानमंत्री जी के हर घर तिरंगा आह्वान को सम्मान सहित स्वीकार किया। मां भारती का गौरव बढ़ाने के लिए हमारे सरहद पर तैनात सैनिकों के लिए उन्होंने प्रार्थनाएं की, उनके प्रति शुभकामनाएं अर्पित की। जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी ताकि हम एक आजाद देश में सर उठाकर जी सकें, आज उनको, उनकी स्मृति को और उनके परिजनों को प्रणाम करने का भी दिन है। हम सबके लिए प्रधानमंत्री जी का विशेष आग्रह कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और आगामी 25 साल जब हिंदुस्तान आजादी के 100 वर्ष मनाएंगे। अगली खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर सपाइयों ने आज जिले में तिरंगा यात्रा निकाली। ये तिरंगा यात्रा इटावा विधानसभा क्षेत्र से होते हुए नगर पंचायत बिस्कोहर तक पहुंची। वहीं यात्रा वापस होकर सपा कार्यालय इटावा में समापन हुई, जिसके बाद सपाइयों में काफी उल्लास देखने को मिला। ये तिरंगा यात्रा इस हमारे देश के बल है, हमारा राष्ट्र का जो है हिंदू मुस्लिम एकता जो भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सभाई भाई, इसका संदेश देना हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सब मिलकर के एक हैं। हम लोग कहीं जात, कहीं धर्म, कहीं नफरत के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग जो हैं, ये संदेश इसीलिए समाजवादी पार्टी ने केरला में पूरे प्रदेश में जितने भी जहां जहां उनके थे सब लोगों को जन्म जगह निकाला गया है, जिससे हम लोगों का एकता का प्रतीक कि हिंदुस्तान जो है, जिस तरह से ये तिरंगा है, हम लोगों की शान है, उसमें किसी के प्रस्थान का कोई कमी ना है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पे 9 तारीख से 15 तारीख तक पूरे प्रदेश में लगातार तिरंगा यात्रा, घर पे तिरंगा लगाया जा रहा है। उसी तत्वाधान में आदरणीय राष्ट्रपति जी के निर्देश पे हम और हमारे साथी मिलकर के डुमरियागंज में एक बृहद तिरंगा यात्रा को निकालने का काम किया है। अगली खबर देहरादून से है, जहाँ UKSSC पेपर लीक मामले में उत्तराखंड शासन ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल STF ने अभी तक पेपर लीक मामले में 17 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और लाखों रुपए कैश बरामद कर चुकी है। तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड शासन ने UKSSC के सचिव संतोष बडोनी को पद से हटा दिया है। वहीं शासन ने सुरेंद्र सिंह रावत को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव की जिम्मेदारी सौंपी है। खबर नैनीताल से है, जहां दर्जनों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंडल अध्यक्ष आनंद सिंह बिष्ट के नेतृत्व में तिरंगा बाइक यात्रा निकाली। इस अवसर पर सभी देशवासियों और जिलेवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी गईं। साथ ही वंदे मातरम और भारत माता की जयकारे के साथ लोगों ने झंडा भी वितरण किया। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां हाईवे से गुजरने वाले लोगों को जाल में फंसाकर पैसे की डिमांड करने वाले हनी ट्रैप गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। वहीं पुलिस ने 3 महिलाओं और 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गैंग में 9 से अधिक लोग शामिल थे। पुलिस बाकी बचे आरोपियों की तलाश में जुटी है। हम लोग संज्ञान में आए थे
और जिसमें हमने अभियोग पंजीकृत में किए हुए थे, पूर्व में ही एक अभियोग भी हमारे गिरफ्त में था। तो घटनाक्रम इन दोनों में लगभग एक प्रकार का है कि इनमें जो महिलाओं का प्रयोग करके ये कुछ हनी ट्रैप का टाइप का ये नाटक बनाते हैं, जिसमें महिलाओं को प्रयोग करके ये लोग उनको एकांत जगह पर बुलाते हैं, वादी को या जो भी व्यक्ति इनके जंगल में फंसते हैं और उनको एकांत जगह पर बुला करके और महिलाओं की तरफ से उस पर जो अश्लील हरकतें या अन्य महिला संबंधी अपराध की धमकी देके उनसे एक्सटॉर्शन करते हैं और आदमी जो है जो भी इसमें विक्टिम है वो अपनी इज्जत की वजह से उनको पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है। तो अगली खबर लक्सर से है, जहां आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर हर कोई अपनी भागीदारी देकर आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ को हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। वहीं राजनीतिक पार्टियां और सामाजिक संगठन तिरंगे की आन बान शान में रैलियां निकाल रही हैं, साथ ही पुलिस के अधिकारी और जवान भी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे झंडे को लेकर देश भक्ति के नारे के साथ यात्रा निकाल रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।